सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे राज के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल गौतम बुद्ध नगर जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां पर लोग रावण की पूजा करते हैं। इस गांव में दशहरा और विजयदशमी पर घरों में चूल्हे तक नहीं जलते। इस गांव में परंपरा सालों से चली आ रही है। बड़े बुजुर्गों से लेकर आज की पीढ़ी भी इस परंपरा का पालन करती है। गांववासी अब अपनी श्रद्धा को रूप देने के लिए गांव में रावण का मंदिर बनवा रहे हैं। इसमें रावण की 10 सिर वाली मूर्ति भी रखी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के इस गांव का नाम रावण के पिता के नाम पर बिसरख पड़ा। गांव से शहर में तब्दील होने के चलते ये गांव अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट का हिस्सा है। ऐसी मान्यता है कि रावण के पिता मुनि विश्वेश्वर ने यहां पर तप किया था। रावण का जन्म भी इसी गांव में हुआ था। उन्हीं के पिता के नाम पर गांव का नाम विश्वेश्वर से बिसरख पड़ा। वहीं कई लोगों का ये कहना है कि रावण ने जब शिव जी से वरदान प्राप्त किया था तो वो अपने 10 सिरों को जोड़कर मोक्ष का वरदान मांग लिया। वरदान पाकर रावण श्रीलंका चला गया था। सैकड़ों लोग भी उनके साथ लौट गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं लौट सके और वहीं बस गए। ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का बैजनाथ है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे भी थे जो रावण के ही परिवार से थे। सदियों बाद भी आज इस पूरी घाटी के लोग रावण का पुतला दहन नहीं करते। लोगों का कहना है कि वो रावण के ही वंशज हैं, ऐसे में उसका दहन कैसे कर सकते हैं। साथ ही बैजनाथ के पूरे क्षेत्र में एक भी सोने चांदी के गहनों की दुकान तक नहीं है। इनका कहना है कि उन्होंने सारा सोना चांदी लंका को भेज दिया था, ऐसे में अब वो कभी सोने का कारोबार नहीं करेंगे। ये आज के समय यहाँ के लोगों के रावण के प्रति स्नेह और इज्जत है। वहीं अगर बिसरख गांव की बात की जाए तो बिसरख गांव में रावण का भव्य मंदिर तैयार होगा। बिसरख गांव वालों के अनुसार 10 साल पूर्व गांव वालों ने रुपए एकत्र कर रावण की 10 सिर और 10 हाथ वाली मूर्ति बनाई थी। मूर्ति स्थापित करने के लिए अलग से मंदिर भी बनाया जाना था, लेकिन मंदिर बनने में देरी होने के चलते मूर्ति को स्थापित नहीं किया जा सका। अब कई लोगों का कहना है कि रावण के वंशज हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि रावण के वंशज बिसरख गांव में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि उनके वंशज हिमाचल में रहते हैं। खबरी चौखट न्यूज रूम से सुरजीत की रिपोर्ट।